हेलो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और आज के दिन यहाँ बात होती है सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग की। दोस्तों, सॉलिड वुड एक फिनिशिंग मटेरियल है जिसे सभी तरह के फर्नीचर्स के लिए प्रेफर किया जाता है, पर इसकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस है, वह है इसकी कॉस्ट। बहुत से फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हमेशा फर्नीचर की ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं MDF और पार्टिकल बोर्ड का यूज करके। ये दोनों MDF और पार्टिकल बोर्ड कंपोजिट मटेरियल है और इन दोनों ही अल्टरनेटिव मटेरियल की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये चीप मींस कम कॉस्टली हैं और एक लेवल और कंसिस्टेंसी क्रिएट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि MDF और पार्टिकल बोर्ड के क्या डिफरेंसेस हैं और हमें अपने किचन या दूसरे फर्नीचर के लिए इनमें से कौन सा यूज करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए समझते हैं। नंबर वन है हाउ इट इज मेड, ये कैसे बनते हैं। MDF की फुल फॉर्म होती है मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, जो वुड फाइबर से बनाए जाते हैं। इन वुड फाइबर को ग्लू के साथ मिक्स करके एक हॉट प्रेस मशीन के थ्रू पास किया जाता है, जो इस मिक्सचर को कंप्रेस करके बोर्ड की फॉर्म में रेडी करता है। वही पार्टिकल बोर्ड एक इंजीनियर वुड प्रोडक्ट है जिसे वेस्ट प्रोडक्ट से बनाया जाता है, जैसे वुड चिप्स, सार्डस्ट और वुड सेविंग्स से। इन सभी प्रोडक्ट को यूरिया फॉर्मलहाइड रेजिन या फिनोलिक रेजिन जैसे ग्लू के साथ मिक्स किया जाता है और इस मिक्सचर को फर्मली कंप्रेस किया जाता है हीट और प्रेशर के अंडर प्रेस करके, और पार्टिकल बोर्ड तैयार किए जाते हैं। नंबर टू है अपीयरेंस। MDF का सरफेस स्मूथ होता है क्योंकि यह यूनिफॉर्म साइज के वुड ग्रेन से तैयार किए जाते हैं। वहीं क्योंकि पार्टिकल बोर्ड वुड चिप्स और वुड सेविंग से तैयार किया जाता है, इसलिए इसका सरफेस स्मूथ नहीं होता। नंबर थ्री, डेंसिटी। MDF की डेंसिटी एज कंपेयर टू पार्टिकल बोर्ड ज्यादा रहती है, पर पार्टिकल बोर्ड की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू MDF बोर्ड। नंबर फोर, स्ट्रेंथ। MDF बोर्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पार्टिकल बोर्ड, पर पार्टिकल बोर्ड की स्ट्रेंथ कम होती है एज कंपेयर टू MDF। नंबर फाइव, ड्यूरेबिलिटी। MDF बोर्ड फेयरली ड्यूरेबल होते हैं एज कंपेयर टू पार्टिकल बोर्ड, पर पार्टिकल बोर्ड की ड्यूरेबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू MDF। नंबर सिक्स, वॉइड्स। MDF बोर्ड में कोई भी वॉइड्स नहीं होते, पर पार्टिकल बोर्ड में वॉइड कंटेन होते हैं। नंबर सेवन, वेट। MDF बोर्ड पार्टिकल बोर्ड से हैवी होते हैं, पर पार्टिकल बोर्ड का वेट कम होता है एज कंपेयर टू MDF। नंबर एट, IS कोड टू बी फॉलोड। MDF बोर्ड की इंडियन क्वालिटी स्पेसिफिकेशन IS 1240 और IS 1487 में प्रेस्क्राइब की गई है, पर एक पार्टिकल बोर्ड की इंडियन क्वालिटी स्पेसिफिकेशन IS 3087 और IS 12823 में प्रिस्क्राइब की गई है। नंबर नाइन, मॉइस्चर रेजिस्टेंट। क्योंकि MDF में वॉइड्स कम होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, पर क्योंकि पार्टिकल बोर्ड में वॉइड रहते हैं, इसलिए ये बोर्ड लेस वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। नंबर टेन, रेजिस्टेंट टू वार्पिंग और क्रैकिंग। MDF बोर्ड पार्टिकल बोर्ड के मुकाबले वार्पिंग और क्रैकिंग में ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, पर पार्टिकल बोर्ड वार्पिंग और क्रैकिंग में लेस रेजिस्टेंट होते हैं एज कंपेयर टू MDF बोर्ड। नंबर 11, लोड कैरिंग कैपेसिटी। MDF बोर्ड के लोड कैरी करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, पर पार्टिकल बोर्ड की लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, ये एक हैवी लोड को सपोर्ट नहीं कर सकते। नंबर 12, स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी। MDF बोर्ड की स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी पार्टिकल बोर्ड से कम होती है, पर पार्टिकल बोर्ड की स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी MDF बोर्ड से ज़्यादा होती है। नंबर 13, पेंटिंग। MDF बोर्ड पर पेंट ईजिली किया जा सकता है, पर पार्टिकल बोर्ड पर पेंट आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पेंट को सोख लेता है। नंबर 14, लाइफ स्पैन। एक ड्राई इन्वायरमेंट में MDF की लाइफ लगभग 10 साल तक की है और एक लैमिनेट MDF की लगभग 15 से 20 साल की, पर पार्टिकल बोर्ड की लाइफ लगभग 5 साल तक की है एक ड्राई इन्वायरमेंट में, और अगर ये लैमिनेट हो तो इनकी लाइफ है 10 से 15 साल। नंबर 15, यूजेस। MDF को हाई एंड फर्नीचर के लिए ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है, जैसे कैबिनेट्स और सेल्फ वगैरह के लिए। इसके साथ साथ यह रेस्टोरेंट और घर की इंटीरियर डेकोरेशन के लिए भी यूज किए जाते हैं, पर पार्टिकल बोर्ड ज़्यादातर लो एंड और लाइट वेट फर्नीचर के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे शू रैक, पोर्टेबल फर्नीचर, चिल्ड्रन फर्नीचर और कंप्यूटर टेबल वगैरह के लिए। और नंबर 16 है प्राइस। MDF बोर्ड पार्टिकल बोर्ड के कंपैरिजन में कॉस्टली होते हैं, जिसका प्राइस बोर्ड की थिकनेस, क्वालिटी और ब्रांड पर डिपेंड करता है, पर पार्टिकल बोर्ड MDF बोर्ड के कंपैरिजन में बहुत सस्ते होते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ MDF और पार्टिकल बोर्ड के बीच के लगभग सभी डिफरेंस क्लियर कर दिए हैं और आई होप अब आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू लर्न समथिंग एंड बी श्योर टू शेयर इट विद समवन हु माइट बेनिफिट फ्रॉम इट।
इफ आई हैव मिस्ड एनी डिफरेंस इन दिस वीडियो यू कैन मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन. सब्सक्राइब टू माय इंजीनियरिंग सपोर्ट चैनल एंड पुश द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू वोंट मिस द न्यू वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.